साड़ी पहनी हुई है, रील्स बनाने के लिए साड़ी पहनी थी, लेकिन अभी हम जा रहे हैं बाजार। तुम अभी इसको खोल दो और रख दो, कल बनाएंगे, ठीक है? चलिए दोस्तों, चप्पल तो ले लिए हैं। कितना पड़ रहा है देखते हैं, कितना लिया था? 140 रुपया हम ले लिए हैं दोस्तों चप्पल। देखिए जलता नहीं है, जल जाएगा, मतलब भींजल है ना, इसीलिए नहीं जल रहा। पनिया कैसा लग रहा है? चलिए ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का रामगुड़िया ब्लॉग्स में। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवार स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। दोस्तों अभी शाम का समय है और शाम का समय में बाजार जाएंगे हम लोग गेहूं पिसवाने के लिए। तो पिसाने के लिए दे चुके हैं और बस खाली लाना है। और आज ये रविवार का दिन है जो हम लोग का इधर बाजार लगता है और बाजार में थोड़ा लाह बेच लेंगे। देख सकते हैं बाबू का हाथ में थोड़ा सा है और थोड़ा यहाँ पर है नीचे तरफ, देख सकते हैं दोस्तों। इसको छोड़ा के बेच लेंगे, जितना भी पैसा होगा खाने के लिए सब्जी वगैरह ले लेंगे। कम से कम कितना होगा, 10-20-50 रुपया होबे करेगा, है ना माँ? तो जा रहे हैं दोस्तों, चाचा के साथ जा रहे हैं। देख सकते हैं ये चाचा है और देख सकते हैं बाबू छोड़ा रहा है। इतना सा लाह है दोस्तों प्लास्टिक में, देख सकते हैं। और इसको छोड़ा लेंगे, उसके बाद चलेंगे बाजार, है ना मोनिक? और मोनिक देख सकते हैं साड़ी पहनी हुई है, रील्स बनाने के लिए साड़ी पहनी थी, लेकिन अभी हम जा रहे हैं बाजार। तुम अभी इसको खोल दो और रख दो, कल बनाएंगे, ठीक है? हाँ तो स्कूल जाएगी ना, तो स्कूल से आके बनाना है ना दोस्तों। अभी रील्स बनाने के लिए, इंस्टाग्राम में डालने के लिए साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन अभी हम बाजार जा रहे हैं, इस वजह से अभी खोल देना, ठीक है? कल स्कूल से आके पहनना, उसके बाद बनाएंगे रील्स, ठीक? तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं बाजार तरफ। चलते हैं बाबू। हाँ चलते हैं, हाँ ठीक, चलते हैं बाबू, बाय बाय। दोस्तों अभी देने जा रहे हैं लाभ भैया को। देख रहे दोस्तों अभी तोलने जा रहे हैं। पेड़ क्या दे रहे हैं दोस्तों, 100 रुपया मांग रहे हैं। मिला तो नहीं लेकिन इतना ही मिला, चलिए इतना ही सब गुजारा चलाते हैं। तो ला तो बेच लिए और 90 रुपया मिला। और अभी थोड़ा दुकान आए हैं चप्पल लेने के लिए चाचा जी का, जो अभी जा रहे हैं दुकान। और चलिए आप सभी दिखाते हैं कैसा चप्पल लेते हैं और पसंद करते हैं कैसा चप्पल और कितना दाम का। और देख सकते हैं चाचा चल गए दुकान। कितना नंबर का लेना? 7 नंबर का दिखाइए। हाँ ठीक है, ठीक है छोड़ देंगे। तो दोस्तों भैया को 7 नंबर का दिखाने बोले हैं चप्पल और निकाले हैं, निकाल रहे हैं चप्पल, देख सकते हैं। सात नंबर नहीं है, चलिए निकालिए 7 नंबर का। देखिए ये वाला सही है, ये वाला ये सब टिकता है ज़्यादा चप्पल। ये चप्पल सेम नहीं है, ये वाला रेट वो ज़्यादा होगा हमको। ये चप्पल पसंद आ रहा है दोस्तों, लेकिन चाचा जी ले नहीं रहे हैं इसको, ये सब पसंद आ रहा है दादाजी का। साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। अब देखते हैं चाचा जी को कौन वाला पसंद लगता है। हमको तो ये चप्पल पसंद आया है दोस्तों, देख सकते हैं ये वाला और ये वाला पसंद आया चाचा जी का। ये वाला टिकेगा, ये वाला टिकता है ज्यादा ये चप्पल। चलिए दोस्तों चप्पल तो ले लिए हैं, कितना पड़ रहा है देखते हैं, कितना लिया था? 140 रुपया हम ले लिए हैं दोस्तों चप्पल। दोस्तों बाजार आ गए हैं और बाजार ना बहुत ही भीड़ है। और अभी प्याज लेना है, थोड़ा सा मिर्चा लेना है, माँ बोलिए मिर्चा लेके आने के लिए। और बाजार में बहुत ज्यादा आज भीड़ है, देख सकते हैं।
चलते हैं अभी मिर्चा वगैरह ले लेते हैं। दस मिलाती दस। भैया जी मिर्चा दीजिए दस का। दस का मिर्चा मिलाती दस दस। रागा दी रागा दी। अरे प्लास्टिक नहीं था। दे 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 देंगे प्लास्टिक भरेगा क्या देंगे। ये लो भर। चलो। दस रुपया किलो। तो दोस्तों हम लोग गेहूँ वगैरह दे दिए थे पिसवाने के लिए, दो पीस दिया है, देख सकते हैं दो को छोला में, एक को चाचा का है, एक को मेरा, तो अभी ले लिए हैं और अभी घर तरफ निकलेंगे। मिर्ची वगैरह अभी ले लिए हैं, माँ बोली थी, तो चलते हैं दोस्तों आप सभी से सीधा घर में मिलते हैं, है ना चाचा? हाँ चलिए घर में मिलते हैं। देखिए दोस्तों चूल्हा जला रहे हैं लेकिन जलिए नहीं रहा है, काहे कि रात में थोड़ा बारिश हुआ था तो लकड़ी झूड़ी सब भींग गया है तो जल नहीं रहा है। हाँ देखते हैं अभी जला के। हाँ मेहनत बड़ी लग रहा है कैसे जलेगा। हाँ देख सकते हैं दोस्तों किस तरह जोड़ते हैं हम लोग कागज और झूरी से आग। हाँ, जलाते हैं। और डेगची देख सकते हैं हम लोग का, इसी तरह लेवन दे के भात रिनते हैं का माँ। हाँ। और देख सकते हैं लाइटर से आग जला रहे हैं, देखिए जलता नहीं है। जल जाएगा मतलब भींजल है ना इसीलिए नहीं जल रहा, पन्निया दिया है ना। चलिए जल गया और देख सकते हैं अभी किस तरह जलाएंगे। पतला पतला झूड़ी नहीं ना है, पतला भी है लेकिन भींजल है ना इसीलिए। देखिए दोस्तों जल तो रहा जल है रहा, देखते हैं पकड़ता है कि नहीं लकड़ी को। हाँ अगर तो जल गया जो कूट है, हम लोग को बहुत समस्या है, समस्या है दोस्तों। गैस वगैरह नहीं है ना, गैस उस नहीं है, नहीं तो फिर गैस से खाना बनाते और फिर लकड़ी भी बहुत परेशानी से लाना पड़ता है दोस्तों, जंगल से ना, जंगल से। हाँ फॉरेस्ट पकड़ता है तो पर भी, फॉरेस्ट भी पकड़ता है, फिर भी लाते हैं ऐसे ही मतलब इधर उधर से कभी काल। हाँ कभी वो पकड़ लेता है कभी नहीं हो पाता है कभी रास्ता में। दोस्तों अभी ना हम लोग खिचड़ी बनाने जा रहे हैं, तो पहले खिचड़ी बनाने के लिए ना पहले आलू को भूंज लेंगे सब्जी बना के, डाला जाता है खिचड़ी में ना। हाँ देखिए देखिए दोस्तों डाल रहे हैं, डाल दीजिए इसको पूरा भूनना होगा ना माँ, मतलब सब्जी बना के। तो दोस्तों पहले ना इसको भून भान के सब्जी बनाना पड़ता है, उसके बाद खिचड़ी में भात में डाला जाता है, उसको वैसे ही खिचड़ी बनता है ना माँ। हम तो जानते नहीं थे, अभी देखते हैं कैसा बनाती है माँ। देख सकते हैं दोस्तों भात ना बन गया है, इसको बोलते हैं माड़ भात, आधा सीजल है और सब्जी बना लेंगे पहले, उसके बाद डाल देंगे। देख सकते हैं माड़ भात है लेकिन सब्जी बना के उसमें डाल देंगे ना तो बन जाएगा खिचड़ी भात का माँ। बहुत हैवी बन रहा है लेकिन आज, पहले कभी नहीं खाए थे ऐसा बना हुआ। हम तो खाए थे लेकिन ज्यादा दिन में नहीं खाए हैं, ज्यादा बहुत दिन हो गया है। चलिए डालते हैं, डालिए नमक डाल दिया दोस्तों, देख सकते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग का आलू और टमाटर डाल के पूरा भून दिए, लटपटी कर दिए हैं दोस्तों, अब इसको उतार के अब वहाँ भात में डाल देंगे। देखिए दिखाओ इधर। हाँ, देखिए हो गया है। हाँ मस्त इसको उतार देते हैं दोस्तों। चलिए उतार दी माँ। अब इसको चढ़ा देते हैं भात को। हाँ इसमें डाल देते हैं, देख सकते हैं माड़ भात है लेकिन अभी सब्जी डालेंगे ना तो खिचड़ी भात हो जाएगा ना। हाँ हाँ डाल देते हैं दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों अभी माँ किस तरह डालेगी, देख सकते हैं। देखिए देखिए सब्जी को डाल दे रहे हैं। हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं दोस्तों, आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके बताना। देखिए अब पूरा डालने के बाद चला देंगे ना, उसके हाँ। बाद थोड़ा सीजने दे देंगे, उसके बाद बन जाएगा खिचड़ी भात का। हाँ बन जाएगा दोस्तों,
चला देते हैं। चलिए देख सकते हैं पूरा एकदम पीला हो गया दोस्तों। पीला हो जाएगा थोड़ा सा अथी होगा ना, सीझेगा तब ना, अभी चावल अपना सीझल नहीं है, हो जाएगा। थोड़ा पानी डाल देते हैं इसको। देख सकते हैं दोस्तों हम लोग का कितना कलरफुल बन गया खिचड़ी, देहाती खिचड़ी दोस्तों। देख सकते हैं पूरा मस्त मस्त बना है एकदम, खाएंगे मजे से गरम गरम। और सबसे पहले तो एक थाली से दादाजी को लेग देते हैं, दीजिए माँ। चलिए दादाजी को यूला लेग देते हैं दोस्तों। हेलो खोल, ले खिचड़ी। देखिए दोस्तों दादाजी को खिचड़ी ला दिए हैं, खाने सकिएगा ना, आए खाने सकिएगा ना। चलिए ठीक है खा लीजिए। हाँ हाँ, अरे तो खा ले दादी खाना, नहीं खा ला होगा, चलिए खाई ले बता ठीक। हाँ। और हम इनो खाई जाए, अभी खिचड़ी बनाओ लाइयो, रोटी बनाई। अच्छा चलिए पूरी रोटी। हाँ और देख सकते हैं मुनी साहब उधर रोटी बना रही है, जो अभी पूरा मस्त मस्त खा रहा है एकदम बैठ के। कौन सी बना रहा है रे, आए निमकी बना रहा है। देख सकते हैं दोस्तों इधर पूरी और निमकी बन रहा है मजा से, और बाब मुनी सब अभी दे रही है हमको भी। तो दोस्तों मुनी हमको पूरी दी, देख सकते हैं, और इसके बदले में हम तुमको खिचड़ी देंगे, चलो ठीक है ना। देख सकते हैं पूरी मिल गया, लीजिए पकड़िए, मुनी दी है खिचड़ी, देख सकते हैं। वाला क्या है वो लंबा, ये लोग मजा मजा से निमकी बना रहा है तो। हाँ बनता है खेचला है। ठीक है चलिए हम लोग भी, चलो खाना खाएंगे हम लोग भी, चलिए तुम पूरी खाएगा बाबू, ठीक है ठीक है। थाली लेते चलो मुनि, एक थाली लेते चलो देंगे। हैं कौन जी खिचड़ी खाना, चलो चलो थाली लेके आओ। तो दोस्तों मुनी साहब देख सकते हैं खिचड़ी खाने के लिए बैठ गई है, टेस्ट करते देखो मुनी कैसा लग रहा है। सब कोई अब खाने के लिए जा रहे हैं, कैसा लग रहा है तुम खा के देखो रे, कैसा लग रहा मजा। चलिए ठीक है दोस्तों खिचड़ी तो अभी हम लोग खाने जा रहे हैं है ना माँ। ये दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक करने के लिए मत भूलिएगा, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग्स में कल और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।